नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के सचिवगण एवं प्रसार भारती और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रसार भारती और दूरदर्शन आकाशवाणी के मंत्रालयों से आए हुए सभी अधिकारीगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे स्पेशल गेस्ट्स श्री मनोज तिवारी जी, श्री राजीव खंडेलवाल जी और फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दो शब्दों में कहना चाहती हूँ कि आज आप सभी हमारे दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में आए और आपने हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। रग रग में गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और दूरदर्शन का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है और पहली बार ये एक ऐसी कोशिश की गई है जिससे कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को एक रोचक फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि गंगा की सफाई का अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, उसका संदेश देश के घर घर तक पहुँच सके। यह ट्रैवलॉग रग रग में गंगा एक यात्रा है जिसमें इस श्रृंखला के नायक सूत्रधार श्री राजीव खंडेलवाल हमें एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर ले जाते हैं जो गोमुख से शुरू होकर गंगा सागर तक जाती है। दूरदर्शन की इस श्रृंखला को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर दिव्या जी ने ड्रोन कैमरास और गोप्रो कैमरास की मदद से इस पूरी श्रृंखला को HD में शूट किया गया है। यह श्रृंखला फिलहाल DD में हिंदी में DD नेशनल पर हर शनिवार और रविवार को दिखाई जाएगी, लेकिन सर हमारा प्रयास यह होगा कि इसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर इसको प्रसारित किया जाए। इस शो को हकीकत में बनाने के लिए माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें पूरी क्रिएटिव फ्रीडम दी कि हम इसको हाई क्वालिटी शो में बनाएं और आपके सामने प्रस्तुत कर पाएं। इस ट्रैवलॉग पर बहुत ही मेहनत से काम करने के लिए मैं श्री राजीव खंडेलवाल जी का और क्रिएटिव डायरेक्टर मिस दिव्या का और DCD और DD की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौर जी का, जिन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया और प्रेरित किया कि हम कुछ नया करें और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को मनोरंजक तरीके से लोगों तक ले जा पाएं। आखिर में दो शब्दों में कहना चाहती हूँ कि एक दूरदर्शन एक लोक सेवा प्रसारक ऐसा रहा है जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाना जाता है, और हम सभी जानते हैं कि अपनी 60 साल की इस यात्रा में दूरदर्शन ने बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि रग रग में गंगा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को अपने दर्शकों तक बहुत ही मनोरंजन तरीके से ले जा पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन और स्वागत करती हूं। धन्यवाद।